मैं बहुत त्रासदी हुई, मगर मीडिया ने जो है वो ज्यादातर कुल्लू मनाली क्षेत्र को, नेशनल मीडिया ने और प्रदेश की मीडिया ने भी, पर खास करके नेशनल मीडिया ने जो है वो उस क्षेत्र के लोग, उस क्षेत्र में जो त्रासदी हुई उसे बहुत दिखाया, जिसकी वजह से और क्षेत्रों का जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं दब गया था। तो पहले तो हमने प्राथमिकता पे कुल्लू मनाली क्षेत्र के लिए हर प्रयास हमारी सरकार ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारे विभाग ने किया, हमने किया, और केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग लिया। सड़कों के लिए सड़क मंत्री को हम हिमाचल, उनको उनका आगमन किया, उनसे निवेदन किया है। आज ही हमने कई, अभी सरकारी फाइलें करते हुए आज ही हमने कई प्रपोजल्स जो है वो केंद्रीय मंत्री जी को भेजे हैं। भारत सेतु के तहत जो उन्होंने पैसा दिया है उसके प्रपोजल आज ही मैंने क्लियर करके मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार उनको अब आगे केंद्र सरकार के लिए भेजा है। उसी प्रकरण में जो हमारा जिला शिमला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अब जाकर पता चल रहा है कि इस इलाके में भी बहुत त्रासदी और नुकसान जो है वो क्षेत्र में हमारे बागवानों का, सड़कों का जो है वो हुआ है। पिछले करीबन 4 दिन से मैं खुद जो है वो रोड़ू के, रामपुर के, ठियोग कुमारसन के दौरे पे था, और मुख्यमंत्री जी भी पिछले 2 दिन से इस क्षेत्र के दौरे पे लगातार बने हुए हैं। और चौपाल का उनका दौरा था, रामपुर का उनका दौरा था, रोड़ू का उनका दौरा था, जुब्बल कोटखाई का दौरा था, और कुमारसन ठियोग का दौरा था, और हर प्रभावित क्षेत्र में हम व्यक्तिगत रूप से गए हैं। और बहुत नुकसान वहां पे केवल सड़कों का ही नहीं, मगर सड़कों के साथ साथ जो बागवान हैं उनके जो बगीचे हैं, मुझे हैरानी हुई है देख के कि पूरे के पूरे गांव कई जगहों पे जो है वो भू संकलन की वजह से शिफ्ट हो गए हैं, और उनके खसरा नंबर जो है वो चेंज हो गए हैं। अब इसमें हालांकि सरकार पूरा प्रयास कर रही है रिलीफ देने के लिए, मगर क्योंकि अभी इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड पूरी तरीके से तलाशना पड़ेगा, तो उसको आने वाले समय में उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मगर मुख्यमंत्री जी ने जो फौरी राहत इस क्षेत्र के लोगों को दी है, मैं समझता हूं कि ये एक रामबाण की तरह इस क्षेत्र के लोगों के लिए इस दुख की घड़ी में उनको एक बहुत बड़ा सहारा इससे मिला है, और आने वाले समय में अब पूरा आंकलन उस क्षेत्र का किया जा रहा है। उन्होंने आदेश दिए हैं, मुख्यमंत्री जी ने सभी अपने डिप्टी कमिश्नर को, शिमला के सारे जो एसडीएम्स हैं, पटवारी है, तहसीलदार है, ये सब अपने इलाके में रिपोर्ट बना रहे हैं, उसका पूरा एक जायजा लिया जा रहा है कि कितना नुकसान जो है वो बागवानी क्षेत्र में हुआ है, दुकानों का हुआ है, घरों का हुआ है, और उसमें जो राहत हमारी ओर से, सरकार की ओर से दी जा सकती है वो फौरी भी दी जा रही है, और आने वाले समय में उसमें और मदद करने का भी प्रयास किया जाएगा। मगर अभी जो हमारा मुख्य लक्ष्य था वो यही था कि इस बाढ़ की परिस्थिति में, इस दुख की घड़ी में हम अपने लोगों के साथ खड़े हों, इसीलिए हमने एक बहुत विस्तृत दौरा हर प्रभावित क्षेत्र का किया, वहां के लोगों के साथ इस दुख की घड़ी में उनके आंसू पहुंचने के लिए और उनको एक कंधा देने के लिए मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंत्री और मैं खुद जो है वहां पे उपस्थित रहा, हमारे माननीय विधायक वहां पे उपस्थित रहे, ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि हम सरकार उनके साथ इस समय नहीं है। अब सबका तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सरकार की जो रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है, मगर उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने अपना जो सरकारी कोष है उसको पूरे तरीके से खोल दिया है और पूरा सहयोग किया जा रहा है। मैं खुद इस बात का साक्षी हूं, हमारे डिविजन्स भी, जितने पीडब्ल्यूडी के डिविजन्स हैं इस पूरे इलाकों में, उनको भी कई जगहों पे आवश्यक अनुसार कहीं 1 करोड़, कहीं 2 करोड़, कहीं 3 करोड़, कहीं 4 करोड़, इस तरीके से जो है वो पूरा आवंटन पैसे का इन सभी डिविजन्स में पीडब्ल्यूडी के किया गया है, और उनको भी डिविजन्स के जो हमारे एक्सीएंस है, एससीज है, उनको पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, हिदायत दी गई है कि वॉर फुटिंग के ऊपर आपको सारी सड़कों को जो है वो खोलना है, और हमारे जो बागवान है खास करके उनका जो प्रोड्यूस है सेब का, वो इमीडिएटली मार्केट में पहुंचे, क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है,
कितना हमारा सेब डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब जो जो है बचा हुआ है वो समय पे पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। एक और मुझे बड़ा जो दुख हुआ इस बारी देखकर कि जो हमारा सेब का साइज है वो हालांकि मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, मगर क्योंकि इलाके का हमने एक विस्तृत दौरा किया तो वहां पे जो सेब का साइज इस बारी किसी भी इलाके में बना ही नहीं है। ये क्योंकि बारिशें काफी लंबे समय तक विंटर्स के बाद कंटिन्यूसली चलते रही और जो एक साइज बनना चाहिए था फ्लारिंग के बाद वो नहीं बन पाया, जिसकी वजह से निश्चित तौर से नुकसान इसमें भी फाइनेंशियली बागवानों का होगा। इसके लिए भी हमारे जो बागवानी मंत्रालय है उन्होंने पहले भी कड़े कदम उठाए हैं, आने वाले समय में भी उनको पूरा सहयोग सरकार की ओर से हम देने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी और जो हमारे बागवानी मंत्री हैं इस विषय में वो भी काम करेंगे। मगर जैसा मैंने कहा कि हमारी प्राथमिकता जो है वो सड़कों की बहाली का है, उसके लिए हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज ही भी मैंने अभी सुबह एक सारे हमारे एससी से ईएनसी के साथ आज सुबह भी मैंने उनसे रिव्यू मीटिंग लिया है और यही उनको निर्देश दिए हैं कि जो भी थोड़े बहुत सड़कें जो बच गई है खुलने के लिए उनको इमिडिएटली खोला जाए। अभी भी कई जगहों पे लगातार स्लिप्स आ रहे हैं, पिछले कल भी हमने जो है वो बाय रोड रामपुर से शिमला आना था मगर शिलारू के पास लगातार स्लिप्स जो है वो ठोक के अंदर आ रहे थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी को भी और मुझे उनके साथ में जो है वो लूरी वाली बसंतपुर सड़क से आना पड़ा। तो अभी भी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी एज वी स्पीक बहुत जगहों पे जो है वो स्लिप्स लगातार चले हुए हैं, आगे भी अभी बरसात के मौसम चला हुआ है तो उसपे भी वॉर फुटिंग के ऊपर हमारा कार्य चला हुआ है। 50 करोड़ रुपए की मशीनरी, नई मशीनरी खरीदने का प्रोसेस भी हमारे डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है, उसकी भी अभी मुझे जानकारी मिली हमारे अधिकारियों के माध्यम से, जिसमें जेसीबीज, आपकी पोकलेन्स और कई जगहों पे एसडीओस के लिए जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स होती है वो भी ली जा रही है, ताकि हमारा जो स्टाफ है खास करके जो ग्राउंड लेवल का स्टाफ है वो इमिजिएटली जहां पर भी इस तरीके का कोई नुकसान होता है वो पहुंचे, वहां पे लोगों को सहयोग दे, सहायता दे, समर्थन दे और इस तरीके से हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। सर।